हेलो एवरीवन, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रीमियम स्टॉक में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है, जिसके कारण कंपनी के शेयर होल्डरों में एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिलेगी और कंपनी का प्राइस बहुत जल्द ही 1700 के ऊपर ट्रेंड होता हुआ नज़र आने वाला है, क्योंकि कंपनी में एक लंबी खरीदारी देखने को मिलेगी और कंपनी में 1020 करोड़ रुपए का निवेश भी देखने को मिलेगा। इसी के कारण आज हिंदुजा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट कर देता है एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। पहले एक नज़र हम कंपनी के शेयर के बारे में डालते हैं। आपको देखने को मिल रहा होगा कंपनी का प्राइस इस समय 1364 रुपये पर ट्रेंड होता हुआ नज़र आ रहा है और आज के डेट में कंपनी में 2 से 3% की गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट का मात्र एक ही कारण है कि कंपनी आज के दिन में जितने भी शेयर मार्केट थे सब में गिरावट देखने को मिली, सब में बिकवाली देखने को मिल रही थी और ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से गिरा हुआ था, जिसके कारण आज इस कंपनी में थोड़ा असर देखने को मिला है। लेकिन कल से कंपनी के शेयर में एक कंटिन्यू ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा खरीदारी देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी के पिछले 6 महीने की बात की जाए तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को अब तक ज़बरदस्त प्रॉफिट कराया हुआ है। मात्र 6 महीने में कंपनी ने 38 से 40% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कंपनी के शेयर होल्डरों को ज़बरदस्त प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर बात किया जाए तो कंपनी की उस खबर की ओर जो सामने निकल कर आ चुकी है, तो चलिए चलते हैं उस खबर की ओर। आपको बता देते हैं कि कल के डेट में बोर्ड मीटिंग की बैठक हुई थी और उस बोर्ड मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। अब बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया है कि हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन बोर्ड ओके मतलब कि 1020 करोड़ रुपये का जो है टेंडर पास हो चुका है बायबैक के लिए, मतलब कि कंपनी जो है 1020 करोड़ रुपये इस शेयर खरीदने के लिए इस कंपनी में निवेश करने जा रही है। मतलब कि 1020 करोड़ रुपए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके शेयर को बायबैक करने के लिए। अब कंपनी बायबैक कर रही है तो कितना कर रही है, तो आपको बता देते हैं कि कंपनी की तरफ से बताया गया कि वह 60 लाख शेयर बायबैक करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, छोटा मोटा शेयर नहीं, एक बड़ा शेयर बायबैक करने जा रही है। 60 लाख शेयर बायबैक करेगी और जिसकी पूरी लागत 1020 करोड़ रुपये आकी गई है। और कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया कि वह जो शेयर है वो मात्र 1700 रुपये में पर इक्विटी शेयर के आधार पर बायबैक करेगी। मतलब कि कंपनी की तरफ से बताया गया कि 1700 के ऊपर बायबैक नहीं किया जाएगा, 1700 और 1700 के नीचे ही बायबैक किया जाएगा, जिसके कारण अभी कंपनी का प्राइस 1370 रुपये पर ट्रेंड होता हुआ नज़र आ रहा है और आगे चलकर कंपनी में यह तेज़ी देखने को मिलेगी, जिसके कारण इस समय कंपनी में बहुत ज़ोरदार खरीदारी देखने को मिलेगी। जब कंपनी में खरीदारी देखने को मिलती है तो कंपनी का शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी का शेयर प्राइस 1700 के ऊपर भी निकल जाने वाला है, क्योंकि इसमें ज़ोरदार खरीदारी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, बात करते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है जिसके कारण कंपनी शेयर को बायबैक कर रही है। आपको बता देते हैं कि जो हिंदुजा ग्लोबल सर्विस है वो हिंदुजा ग्रुप की एक कंपनी के रूप में है काम कर रही है, जिसके कारण कंपनी को ज़बरदस्त प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात किया जाए तो कंपनी के बारे में, तो आपको देखने को मिला होगा कि कंपनी का मार्केट कैप 7,169 करोड़ रुपये का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है और कंपनी का सबसे हाईएस्ट प्राइस 1974 रुपये देखने को मिल रहा है। अब माना जा रहा है कि कंपनी अब के समय में जब बायबैक करना शुरू कर देगी तो कंपनी का प्राइस अपने सबसे हाईएस्ट प्राइस को भी तोड़कर आगे निकल जाने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और वहीं कंपनी का सबसे लोएस्ट प्राइस 886 रुपये देखने को मिल रहा है और कंपनी का इस समय करंट प्राइस 1364 रुपये पर ट्रेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको देखने को मिला कि कंपनी का फेस वैल्यू इस समय 10 रुपये पर ट्रेंड होता हुआ नज़र आ रहा है और कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया कि वो अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड भी बीच बीच में देती रहती है। इस बार कंपनी ने 5 रुपये पर शेयर के आधार पर डिविडेंड देने का ऐलान किया गया था, जिसके कारण इस कंपनी के शेयर में ज़ोरदार खरीदारी देखने को मिली थी, कुछ दिनों की पहले की बात है। और कंपनी को जब जब प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड के माध्यम से खुश कर देती है। वहीं अगर कंपनी के बारे में बात किया जाए तो इस समय कंपनी में किसी प्रकार का कोई कर्ज देखने को नहीं मिल रहा है, कंपनी गुड डिविडेंड अपने शेयर होल्डरों को देती रहती है और कंपनी का अनुमान है कि इस बार जो Q3 का रिजल्ट रिलीज होगा तो कंपनी को ज़बरदस्त प्रॉफिट होने की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं कंपनी के Q2 के रिजल्ट के बारे में, कंपनी को कितना प्रॉफिट देखने को मिला था। आपको देखने को मिला कि इस बार कंपनी को
40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल के मुताबिक 2 गुना देखने को मिल रहा है। और इसी समय कंपनी को 110 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला था और इस बार कंपनी को 239 करोड़ रुपए का ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और इसी के कारण कंपनी अपने शेयर को बाईबैक करने जा रही है ताकि कंपनी को और ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। जब कंपनी डिविडेंड देती है तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को ही देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा शेयर मौजूद होता है और कंपनी खुद के लिए पैसा निकाल लेती है। इसलिए कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, इसी के सहारे वह खुद को भी डिविडेंड ले लेती है। अब बात करते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में, कंपनी में किन किन लोगों ने निवेश किया है। आपको बता देते हैं कि इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, 66% की प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिली है। अब कंपनी जब 60 लाख शेयर बाईबैक करेगी तो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग बढ़ जाएगी, कम से कम 70% देखने को मिलेगा। और पब्लिक सेक्टर में इस समय मात्र 19% शेयर देखने को मिल रहा है, और जब कंपनी शेयर को बाईबैक कर लेगी तो यही 19% घट के 10-7% देखने को मिल सकता है। और कंपनी का जब बोनस मतलब कि शेयर कम हो जाएगा तो कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी देखने को मिलेगी। वहीं विदेशी निवेश की बात किया जाए तो कंपनी में 13% का निवेश जो विदेशी निवेश द्वारा किया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। इसी के कारण आप इस कंपनी में जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।